आज मैं बात करने वाली हूँ उस आवाज़ की जो खासकर 1980s की बात करूँ तो कई फिल्म्स की पहचान थी, है और रहेगी। शब्बीर कुमार की आवाज़। फिल्म्स जैसे प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियाँ, कूली, मेरी जंग, वो सात दिन और बेताब। इस फिल्म के लिए जब लता जी के साथ पहली बार रिकॉर्डिंग की ना इन्होंने, तो बस इसी बात में खो कर रह गए कि वो लता जी को अपने सामने ही नहीं साथ गाते हुए सुन रहे हैं, तो कुछ गा ही नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ, आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं, रियल स्टोरीज में। हालांकि अगर मैं हिट फिल्म या हिट गीतों की बात करूँ तो फिल्म कूली के गीत आ चुके थे। डायरेक्टर मनमोहन देसाई की फिल्म कूली में रफ़ी साहब ही सारे गीत गाने वाले थे, लेकिन रफ़ी साहब का 30 जुलाई 1980 में इंतकाल हो गया। और मनमोहन देसाई ये तो तय कर चुके थे कि रफ़ी साहब नहीं है, लेकिन उनकी जैसी ही आवाज़ चाहिए, कुछ वैसी हो, कुछ मिलता हो। ये एक श्रद्धांजलि भी होगी रफ़ी साहब के लिए। तब तक शब्बीर कुमार प्लेबैक सिंगिंग में कदम रख चुके थे। 1981 में फिल्म सरदार के लिए इन्होंने पहला सोलो गीत गाया था। एक अकेला मन का पंछी टूटी आसलियां भटके कब तक पंख पसारे दूर दिशाओं में। प्लेबैक सिंगिंग भी थी और स्टेज शोज भी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से फिर एक न्योता आया और फिल्म कूली के सभी गीत शब्बीर कुमार ने ही फिर गाए। गीत बहुत पसंद भी किए गए, लेकिन लता जी के साथ गाने का पहला मौका वो तो अभी आने वाला था। फिल्म भी बहुत बड़ी थी, वो फिल्म जिससे सनी देओल और अमृता सिंह फिल्म्स में शुरुआत कर रहे थे। फिल्म थी बेताब और सनी की गीतों में आवाज़ बने शब्बीर कुमार, और इन्हीं के साथ उन्हें मौका मिला लता जी के साथ रिकॉर्डिंग करने का। इस फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे आर डी बर्मन साहब, और शब्बीर कुमार जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पंचम दा ने जब इन्हें बुलाया ना तो गाना समझाया, साथ में ये भी बताया कि लता जी के साथ गाना है, तो इनकी नर्वसनेस को देखते हुए कहा तू बस अपने आप को शेर समझना। लेकिन ये होने वाला थोड़ा ही था। वो कहते हैं मेरे लिए तो बड़ी बात ये थी कि मैं लता जी के दर्शन करने वाला हूँ, शब्बीर जी कहते हैं। तो रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लता जी ने अपना पार्ट गा दिया, अब मेरी बारी आई तो मैं चुप। मैं अभी भी यकीन करने की कोशिश में था कि जिनकी आवाज़ दीवारों के साथ कान लगाकर पड़ोसी के यहाँ रेडियो पर सुनने की कोशिश होती थी, उनके साथ ना सिर्फ खड़ा हूँ बल्कि गा रहा हूँ, उनकी आवाज़ डायरेक्ट कानों में आ रही है। खैर, फिर पंचम दा ने याद करवाने की कोशिश भी की, कहा शब्बीर अब तुम्हारी लाइन आने वाली है। ये बोले हाँ जी सर, और फिर भूल जाए। लता जी ये समझ गई और पंचम दा को रिकॉर्डिंग रूम में बुलाया और कहा 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, कुछ चाय वगैरह मंगवाओ। चाय और टोस्ट आ गए। लता जी ने शब्बीर कुमार साहब के साथ बातें करना शुरू की। अच्छा फिर बताइए कौन कौन है आपके घर में, आप कहाँ रहते हैं, और यही सब बातें करते हुए इस बच्चे का थोड़ा सा डर जो है वो कम कर दूं, थोड़ा प्रोत्साहित कर दूं, ऐसा सोचा लता जी ने। और फिर रिकॉर्डिंग हुई और वो कहते हैं कि लता जी की आवाज़ की चमक से इनकी आवाज़ भी रोशन हुई, और वो पहला गीत था जो इन्होंने लता जी के साथ रिकॉर्ड किया था, बादल यूं गरजता है। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक ये बिजली हम पे गिर जाएगी। जिस गेस्ट हाउस में ही रहते थे ना, वो स्टूडियो से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बोले जब मैं वापस पैदल जा रहा था तो मैं सोच रहा था बस अब इनको पता चल गया होगा कि इसे गाना आता नहीं है, इसने सीखा नहीं है और गाना नहीं मिलेगा। लेकिन फिर अगले और फिर अगले गीत के लिए इन्हें ही बुलाया गया। शब्बीर कुमार ने 1980s में अपनी आवाज़ का जादू कई गीतों में दिया, जैसे फिल्म वो सात दिन, लता जी के साथ ये डुएट, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, या फिर
फिल्म मेरी जंग से ये गीत। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई। ये गीत भी जरूर याद होगा आपको फिल्म गुलामी से। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। मिट्टी और सोना का ये गीत, जिंदगी में पहली पहली बार प्यार किया है। जिंदगी में पहली पहली बार प्यार किया है। और 1990 में फिल्म आज का अर्जुन का ये गीत बहुत हिट रहा था, गोरी हैं कलाइयां। गोरी हैं कलाइयां, मिला दो तुझे हरी हरी चूड़ियां। गोरी हैं कलाइयां, मिला दो तुझे हरी हरी चूड़ियां। और फिर ये स्टेज शोज में बिजी रहने लगे, इंडस्ट्री में नई आवाजें भी आने लगी थी। और फिर एक लंबे अरसे के बाद 2010 में हिंदी फिल्म हाउसफुल के लिए इनकी आवाज एक बार फिर सुनने को मिली। ये गीत अक्षय पर फिल्माया गया था। सुनिधि चौहान के साथ ये गीत था। इनका फिल्म इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं था, ये तो पेंटर बनना चाहते थे। ड्राइंग का बहुत शौक था, स्केचेस बनाकर 2-5 रुपए उस दौर में कमा भी लिया करते थे। और प्लेबैक सिंगिंग में आने के बाद हर बार जब कोई गीत गाते यानी रिकॉर्डिंग होती तो इन्हें लगता और गाना नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सबको मालूम हो जाएगा कि मैंने म्यूज़िक फॉर्मली सीखा नहीं है। लेकिन काम मिलता गया, लोगों का प्यार मिलता गया और लगभग 3000 गाने ये गा चुके हैं। इन्हें संगीत की दुनिया में 39 साल हो चुके हैं। और कई इंटरव्यूज़ में इन्होंने कहा है कि मुझे ज़रा भी इस बात का दुख नहीं होता कि मुझे किसी अवार्ड फंक्शन में बुलाया नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास लोगों का प्यार है।